शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जीज लेकर, एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स 7/7 पोर्टल का वेलकम करें। आपको ओपन हार्टेड वेलकम करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल मैसेज रिसीव हो रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा फील हो रहा है एनर्जी वाइज कि आप में से कलेक्टिवली बहुत से लोग, मैस्कुलिन फेमिनिन बोथ, यहाँ पर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात कर रही हूँ गाइस, बहुत से लोग बहुत ज़रा डिप्रेस्ड एनर्जीज में खुद को फील कर रहे हैं। आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है आफ्टर न्यू मून, ठीक है। कुछ लोगों को हार्ट में बहुत बहुत हैवीनेस या पल्पिटेशंस, नौशिया होना या चक्कर आना, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ सडनली हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लॉट ऑफ पर्जिंग हो रही है, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है विदाउट एनी रीज़न। आप पुरानी चीज़ें आपके अंदर से बाहर आ रही हैं, सडनली पर्ज आउट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत से लोग बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज में, बहुत पेनफुल एनर्जीज में, पुरानी चीज़ों को रिग्रेट करते हुए। यस, यहाँ पर ऑब्वियसली मैस्कुलिन्स को भी रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों का, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। जिनके साथ भी रेजोनेट करती है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। आप को ऐसा भी लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि कहीं स्टक हैं आप, आपकी लाइफ में आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप बहुत स्टक हो गए हैं। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कन्फ्यूजन्स आपको बहुत ज़्यादा घेर सकती हैं, सडन कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आना, जैसे अपने करियर को लेकर कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस, जॉब, इस बारे में भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। और इसके साथ आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान, सडनली आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी, बहुत ईगरली आप अंदर से बहुत डिप्रेस्ड होंगे कि कैसे मेरी फाइनेंशियल लाइफ में मैं स्टेबिलिटी अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की कंफ्यूजन सडनली आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को अपने ही पार्टनर को लेकर उनकी पुरानी हार्ट ब्रोकन एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे अगर आपके काउंटर पार्ट ने, मास्कुलिन ने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, या मास्कुलिन को फेमिनिन ने तकलीफ दी है, वो वूंड्स उनके सडनली सरफेस पर आ रहे हैं इस पोर्टल की एनर्जी में। स्पेशली मैं कल से एनर्जी जो रिसीव कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ। कल से आपको ऐसा भी फील हो रहा हो शायद, या एक दो दिन से, कि आप बंद गए हैं कहीं, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में पर वेट कर रहे हैं, और कब और कितना इंतज़ार। कुछ लोगों का पेशेंस लेवल भी यहाँ पर बहुत वीक हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे अंदर सब्र ही नहीं है, और ज़रा पेशेंस नहीं रख सकता या रख सकती, इस तरह की चीज़ें भी सडनली आपके अंदर आ रही हैं। रीजन बिंग गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया है कल के भी वीडियो में, कि रूट चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपने क्या कहाँ गलत किया है वो सब चीज़ें रियलाइज कराई जाएंगी। रूट चक्रा जब भी हील होता है या एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी पुरानी चीज़ें परेशान करती हैं। वो इसलिए इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी देती हैं क्योंकि उनको रिलीज होना है परमानेंट। तो ये चीज़ें रिलीज होने के लिए ट्रिगर हो रही हैं इस टाइम पर। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं सडनली, और हो सकता है आपको फिजिकली भी टायर्डनेस फील हो, बहुत ही थकावट महसूस हो सकती है लेग्स में या फीट में, पेन हो सकता है, तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं आप। बट कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत लो नहीं लेकर जाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स अपना चार्ज ले चुके हैं, ठीक है। आपको हीलिंग मिलनी स्टार्ट हो रही है,
जब भी हीलिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर लेकर आई जाती है थ्रू ट्रिगर या पर्जिंग, किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी रिलीज की जाती है। तो पेशेंस की बहुत ही जरूरत है यहाँ पर आपको। हीलिंग शुरू हो चुकी है, आपके गाइड्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। डोंट वरी, अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं गाइड्स भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, ऐसा नहीं है। डिवाइन अपना काम बहुत अच्छे से संभाल चुके हैं। जितने भी आपके गाइड्स हैं आपको पूरी तरह से हील करने में जुटे हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ताकि आपकी रियल साइड बाहर आ सके। आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है, आपके टेस्ट हो सकते हैं, आपकी पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, कितनी मेहनत आपने की है, उन सब चीज़ों का टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। बट आफ्टर दैट आपको हीलिंग ही मिलेगी, और ये जो हीलिंग होगी आपको डीप कोर लेवल तक हील करने वाली है। तो डोंट वरी, अगर अभी आप लो फील कर रहे हैं, आपको परेशान होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो लोग अननेसेसरीली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि कोई भी फायदा नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। पर्जिंग हो रही है तो उसको होने दें, रिजिड नहीं बनना है, स्टक नहीं करना है एनर्जीज को, जस्ट अलाउ स्पिरिट गाइड्स को अलाउ करें कि वो आपको हील करें, आपके अंदर की चीज़ों को रिलीज करें, ठीक है। और एक चीज़, बिल्कुल भी ईगो नहीं रखनी है इस टाइम पर, अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो नहीं लाएं। आप बहुत जल्दी फील करेंगे कि धीरे धीरे आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं रिलीज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, क्योंकि ये हीलिंग का पोर्टल है, 7-7 पोर्टल है। आपको स्पिरिचुअली डीप कोर लेवल तक हील किया जाएगा। आपको सिर्फ अपने आप को अलाउ करना है। हैवीनेस फील होगी, नेगेटिविटी फील होगी, तो उसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट बेस्ट थिंग। मेडिटेशन ज़रूर करें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। ध्यान के अलावा आपको कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर सकती है हील होने में। जब भी बहुत हैवीनेस फील हो, कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें गाइस, ठीक है। अपनी ग्राउंडिंग करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, एक ग्राउंडेड मेडिटेशन जो मेरी खुद की आवाज़ में मैंने गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्ड किया है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस मेडिटेशन को सेव करके अपनी अच्छे से ग्राउंडिंग कर सकते हैं और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। मैं दोनों वीडियोस के लिंक जो है शेयर कर दूंगी, आप उस पर जाएं और उस वीडियो को डेली डेली बेसिस पर यूज़ करें कुछ टाइम के लिए, जब तक आप अच्छे से अपने आप को हील नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर लग रहा है बहुत हैवीनेस, तो जस्ट कूल डाउन, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि मैम डेली एनर्जी अपडेट दिया करें, मैं गाइस मैं डेली कोशिश करती हूँ आपके लिए एनर्जी अपडेट लेकर आने की, बट जब भी मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ज़रूरत है आपको गाइडेंस की, या डिवाइन अलाउ करते हैं कि यस इस टाइम पर आपको ये गाइडेंस आपको चैनल पर देनी है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली एनर्जी अपडेट दिया करूँ, ठीक है। देखो, आपको किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना है, किसी एनर्जी अपडेट पर। आपकी एनर्जीज जैसी भी हैं, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि हील होने दे, लेट गो की एनर्जी में रहें, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।